देखिए, कक्षा 7वीं का गणित है। प्रश्नावली आपका 15.1 और प्रश्न संख्या आपका 3। 3 में यहाँ पे बोल रहा है आपको, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो उस मैदान की परिमिति ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, परिमिति ज्ञात करना है। तो वर्गाकार मैदान का मतलब होता है वर्ग सी आकृति वाला मैदान, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि वर्ग कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये वर्ग का चित्र है, ठीक है, ये वर्ग का आकृति है। तो यहाँ पे वर्ग में होता क्या है कि चारों भुजा जो है, ये चारों भुजा वर्ग में समान होते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो सभी भुजा 4 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो यहाँ पे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि वर्गाकार मैदान की क्षेत्रफल बराबर, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपको भुजा गुने भुजा, ठीक है, या यू कहिए वर्गाकार मैदान की क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा, ठीक है। तो भुजा को भुजा में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको भुजा स्क्वायर, या स्क्वायर को हिंदी में भी बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर को वर्ग, भुजा वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिया है इसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 144 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर या भुजा वर्ग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे आपको वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल यहाँ पे 144 वर्ग मीटर दिया है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमें पता है कि 144 वर्ग मीटर है, ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि वर्गाकार मैदान का जो लंबाई है और चौड़ाई है ये कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि एक वर्ग में जो होता है लंबाई, ठीक है, अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ये लंबाई है तो सभी भुजा जो है, यानी कि चौड़ाई फिर लंबाई, ये सभी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ग में भुजा जो होता है समान लंबाई का होता है। तो ये अगर लंबाई 5 सेंटीमीटर का रहेगा तो चौड़ाई भी हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 144 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्षेत्रफल बता रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, बता नहीं रहा है कि इसका कितना दिया है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो हमें इसका ज्ञात करना है, इसका भुजा का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए वर्ग की भुजा, ठीक है, बराबर। तो इसका एक वर्ग की भुजा निकालना है, बताना है कि एक वर्ग का भुजा कितना है, उसका लंबाई कितना है, ठीक है। तो 144 वर्ग मीटर है, तो 144 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है आप जानते ही होंगे, 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका है, दो तरीका है यहाँ पे। एक होता है भाग विधि से ज्ञात करते हैं, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 144 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आएगा 12, ठीक
ठीक है, यानी कि 12 को 12 में गुना करेंगे तो आएगा 144, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 मीटर, ठीक है ना, ये वर्ग मीटर में है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए 144 वर्ग मीटर में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा, उस मैदान की परिमिति ज्ञात कीजिए, तो परिमिति ज्ञात करने की बोल रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार मैदान की परिमिति ठीक है। तो इसका परिमिति का वर्गाकार मैदान की परिमिति बराबर आपको होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यह सूत्र है परिमिति ज्ञात करने का। तो यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो यहाँ पे जो निकला है 12 मीटर वर्गमूल ज्ञात किए हैं, ये क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, ठीक है, लंबाई हो जाएगा आपको 12 मीटर, ठीक है, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई 12 मीटर होगा, 12 मीटर, क्योंकि एक वर्ग में सभी भुजाएं, चारों चार भुजाएं इसमें हैं, तो चारों भुजाएं समान माप के होते हैं, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये सभी भुजा 5 सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर का है चाहे 12 मीटर का है एक भुजा, तो सभी भुजा 12 मीटर का हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लंबाई हो जाएगा 12 मीटर और चौड़ाई भी हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 का 2 लिख लेंगे और 12 12 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24, तो 2 गुने ये हो गया आपको 24 मीटर, तो 2 को 24 मीटर में गुना कर देंगे तो 24 दुना के 48, ये 48 मीटर हो जाएगा। तो वर्गाकार मैदान की परिमिति बराबर आपको हो जाएगा 48 मीटर, ये आपका आंसर हो गया।